ये है साहिल। और जैसे साहिल ने अभी मैंने उसको नोट डाउन कर रहा था काफ़ी देर से, गलती आप लोग भी ये ज़रूर करते होंगे अपने जिम में, अपनी ट्रेनिंग में, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको वो क्या गलती थी। साहिल कर रहा है बैक और उसने अपनी कैपेसिटी, मैं इसको कैपेसिटी यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि इसकी जितनी भी पोटेंशियल है वो बॉडी देख लेती है, कि बॉडी पहचान जाती है कि इसकी कितनी पोटेंशियल है। उसकी बॉडी के हिसाब से जो उसने वेट लिफ्ट किया है उससे इसको इंजरी हो सकती है। अभी पहले मैं इसको जो ये कर रहा था, हम उसी मूवमेंट पे लेके चलते हैं, मैं इसको करेक्ट अभी नहीं करूँगा, पहले ये सेट करेगा जो उसने इनकरेक्ट मूवमेंट करी है, उसके बाद मैं इसको सही करूँगा। आप देखना कर, फिर क्या कर रहा था ये टी बार परफॉर्म कर रहा है और आप देखो इसकी मूवमेंट। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, फोकस। सो अगर मैं देखूं ये यहाँ पे जो इसकी लंबर स्पाइन है वो ओवरलोड ले रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि इतना ज़्यादा वेट आप लिफ्ट कर रहे हो और आपके लोअर बैक पे लोड ज़्यादा ना आए, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको वेट कम करना है। सबसे पहले वेट कम करो, मैं इसको ठीक करा रहा हूँ। करेक्ट क्या है, क्या तरीका है इसको ठीक करने का, सबसे पहले आपका वेट होना बहुत ज़रूरी है। ओके नाउ फर्स्ट, अभी इसको करेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है, आपने क्रिकेट खेला होगा पहले बचपन में या कभी आप लोग खेलते भी होंगे, तो जो कीपर होता है वो इस पोजीशन में होता है, ये साइड पोस्ट आप देखो तो इस पोजीशन में होता है, वो अगर ऐसे हो गया या ऐसा हो गया तो उसका लोअर बैक चला जाएगा। तो अभी जो 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 साहिल की जो पोस्चर बन रहा था वो हल्का हल्का ऐसे हो रहा था, और अगर वो बहुत ज़्यादा लोड करेगा तो वो धीरे धीरे करके ऐसे हो जाएगा। आई बात समझ? तो इसको सबसे बेस्ट वे है कि आपका वाइड लेग्स, चेस्ट आउट, ये ओपन योर चेस्ट आप, ये इसमें ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं। अभी आप उस प्रो लेवल पे नहीं कर रहे जिस लेवल पे हम लोग बिल्कुल यहाँ, हर एक मूवमेंट हर एक बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली डिजाइन होती है। ये जरूरी नहीं कि अगर मैं बेंट होके कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बेंट होके कर रहा हूँ, तो आप भी उसी मूवमेंट में करो। तो ये बात आपका बहुत जरूरी है और आप हर एक वर्कआउट में इसको यूज करो। ये मूवमेंट होगा बैक, ये हो गया, जरूरी नहीं कि मैं इतना झुकूं, बताया मैंने आपको ये दिस मेरे बैक में हाथ लगा, अपर बैक ठीक है, ठीक है, इस चीज का ध्यान जरूर रखना, बैक आ और ऊपर आ जा, चल थोड़ा सा नीचे खींच उसको, फास्ट अप स्लो अप ठीक है, चल गुड गुड, फोकस फोकस, लगा डिफरेंस, क्या डिफरेंस लगा? हाँ हाँ, अपर पे आ रहा बस, हम डेडलिफ्ट नहीं कर रहे ताकि जिसमें हमारा लोअर पार्ट भी वर्क करे, हमारे ग्लूट्स भी वर्क करे, स्टेबलाइजर जरूर हमारे ये होंगे, कोर होगा, बट मेन फोकस हमारा अपर बैक पे होगा ठीक है। तो उसको सारी परफॉर्मेंस सीखकर वेट की जो जंप है वो 10-10 ना बढ़ा के मैं 5-5 केजी से बोलूंगा, स्लो स्लो जाओ पर अच्छा और इफेक्टिव जाओ ठीक है, गुड चल। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कम ऑन नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन रिवर्स क्लोज ग्रिप कम ऑन अप यस हाँ चल 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 बैठ चलो 12 रैप फास्ट वन टू जान लगाओ थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फाइव मोर फाइव फोर थ्री टू वन चलो फटाफट आओ उधर आओ स्ट्रेट आर्म ऊपर स्ट्रेट आर्म रोइंग चलो वन
स्लो होल्ड करके, नीचे होल्ड करके ये, एंड ऊपर स्ट्रेच करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 last 5, last 4, last 3, 2, 1 more. आजा, सीटेड रो पे, सीटेड रो, सीटेड रो। पूरा लेके जा एंड ओपन। यस, चल, चल, होल्ड करके पीछे, जान लगाओ पीछे लेके। लास्ट 10 रेफ, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रुक जा, होल्ड कर, होल्ड कर, होल्ड कर, स्ट्रेच कर, स्ट्रेच, स्ट्रेच, फुली स्ट्रेच। चल 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 चल, 5 reps, 5, 4, 3, 2, 1 लीव इट। आजा जल्दी, आजा जल्दी, आजा ऊपर रोप लगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 थोड़ा सा एल्बो नीचे रख, एल्बो नीचे रख, नीचे रख, इधर से आ, इधर से आ। चल 10, 9, 8, 7, 6 लास्ट 5, 4, 3, 2 and 1 डेड लिफ्ट, लास्ट एक्सरसाइज डेड लिफ्ट, जल्दी स्लो। 2, 20 reps, 3, 4, slow, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लीव इट, 10 प्लेट और डाल इसमें फटाफट। 1, 2, 3, 4 स्लो 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 स्लो, 5, 6, 7 गुड, 8, 9 and 10 लीव इट, छोड़ दे। अब ये सारा रिपीट करेगा 3 बार। सो गाइस, कंटिन्यूशन में आज हमने साहिल के साथ किया बैक वर्कआउट, तो मैं साहिल से पूछूंगा कि साहिल आज का एक्सपीरियंस कैसा था वर्कआउट? सर, एक्सपीरियंस वाज गुड और अल्टीमेट। अभी पंप बॉडी हो रखी है, अभी मैं पोजिंग भी करके दिखाऊंगा सर की परमिशन के बिना। नहीं नहीं, पोजिंग करेंगे अभी, और अल्टीमेट पंप है वर्क। देखो, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ये हकीकत है, और जिसने भी कहा है ये बात 100% सच है। मैं खुद ट्रेनर हूँ, मुझे भी सर की नीड है और मेरे स्टूडेंट्स को मेन नीड है, मगर यहाँ हर वर्कशॉप में कुछ ना कुछ नया सीख के जाता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ। ये अपना जो सर से सीख के जा रहा हूँ मैं अपने तक नहीं रख रहा, अपने स्टूडेंट्स तक बांट रहा हूँ, और ये सबसे बेस्ट पार्ट है। और सर की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि एक्सपीरियंस बताते हैं और सही गाइडेंस है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब गलत रास्ते पर नहीं ले जा रहे इस चीज़ के। और मेरे को पिछले ट्रेन करते हुए 6-7 साल हो गए, मगर ऐसी ट्रेनिंग आज तक कभी नहीं थी, और होप्स हो आगे करते रहेंगे और बहुत जल्दी सर कहीं ना कहीं अचीवमेंट दिलाएंगे इस चीज का बात है। सो साहिल से मैं बोलूँगा थोड़ा सा पोजिंग करके दिखाएगा एक बार, बैक की बैक डलवाइसस। तो साहिल ने अभी एक भी चैंपियनशिप नहीं खेली और बस प्रैक्टिस कर रहा है प्रिपरेशन की, और देख रहे हैं आप बैक अभी। डेफिनेटली जो जो फैट परसेंटेज हमको चाहिए होती है एक एथलीट में, वो अभी आने में टाइम है, बट मैंने क्या बोला कि नेवर गिव अप, आप करते रहिए करते रहिए, और डेफिनेटली आपको एक दिन रिजल्ट मिलेगा। और आने वाले टाइम पे एनीवन कैन ज्वाइन अस, मैं ये इसका भी आपको जल्दी से जल्दी अपडेट कर दूंगा। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल आई एम एन बॉय ट्रांसफॉर्मर, एंड आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टा हैंडल पे, मेरा इंस्टा हैंडल है MaheshFit100। तो आपकी भी कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हो तो आप डेफिनेटली मुझे डीएम करके पता कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही मेरी बैक टू बैक जो वर्कशॉप चल रही है, मैंने बताया कि आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, तो नेक्स्ट वीक मैं उसको डिस्क्लोज करूँगा कि आप लोग भी आइए और प्रो एथलीट के साथ, एमेचर एथलीट के साथ, और कोई भी चाहे वो हाउसवाइफ हो, वॉकिंग हो, वो आके अपना एक्सपीरियंस जो इनका एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उनको हेल्प ज़रूर मिलेगी। सो ये था आज का हमारा सेशंस विद अपना साहिल के साथ, तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं आपके साथ, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।